last topic of this aspect, and that is we can say the types of information. Types of information. तो अभी तक हमने जो है गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर कर लिए, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ कि इंफॉर्मेशन किस किस टाइप्स की होती है, ये हमने कवर कर लिया है. लेट्स सी कहाँ से चलना है हमने, हमने यहाँ से चलना है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन से. अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसकी क्लासिफिकेशन चूँकि लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है. एक क्लासिफिकेशन बनती है इंटरनल और एक्सटर्नल. आप ये जानते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन वो होती है जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होती है, जनरेट होती है और मोर और लेस इनसाइड ही वो इस्तेमाल हो जाती है, जैसे मेंटेनेंस, ऑपरेशन और फाइनेंस का डाटा है या अकाउंटिंग का डाटा जो ज़्यादातर इनसाइड यूज़ हो जाता है, पर्सोनल का डाटा है, ठीक है, क्वालिटी का डाटा है, प्रोडक्शन का डाटा है, तो वो इनसाइड यूज़ हो जाता है. दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है जो हमें या तो मार्केट से आती है या कंपेटिटर से आती है या कस्टमर से आती है, वो आती ही हमें बाहर से है लिहाजा हम उसको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल सर्वे हैं, क्वेश्चनर है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, कस्टमर्स फीडबैक है, तो ये हमें बाहर से आती है. इस तरह जो कुछ मालूम हमारे इंटरनल ही पैदा होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अंदर इस्तेमाल हो जाती है, इंटरनल कहलाती है, और कुछ मालूमात हमें कस्टमर, कंपेटिटर, मार्केट से आती है, कस्टमर फीडबैक आती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहलाती है. चूँकि इसका सोर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, इसका सोर्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, इसलिए एक्सटर्नल कहलाती है. हमने इस तरह से इसको पढ़ा था अपनी प्रीवियस चैप्टर में कि HR, पेरोल, ऑपरेशंस, ये इंटर्न टाइम शीट, प्रोडक्शन सिस्टम, ये इनसाइड के हैं, जबकि टैक्सेस, न्यू लेजिस्लेशन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सप्लायर, कस्टमर कॉरेस्पोंडेंस, ये आमूमी तौर पे बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है. तो ये बच्चों दो सोर्सेज की हमने बात कर ली आपके साथ, ठीक हो गई बात, शाबाश. अब अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाए, ए सिस्टम नीड टू बी एडवाइज टू गैदर इंफॉर्मेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज यूजेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है जी, शाबाश, विच वन इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपका HR, पेरोल, ठीक है जी, और कंपनी से वस्ता डिपार्टमेंट्स की बात. अब आ जाते हैं आप इंफॉर्मेशन के एक दूसरी क्लासिफिकेशन, एक तो इंटरनल एक्सटर्नल थी, एक क्लासिफिकेशन इस एतबार से भी है कि इंफॉर्मेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. ये भी क्लासिफिकेशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और हम इसको पहले की नस्बत तेज़ी से पढ़ सकते हैं चूँकि वी ऑलरेडी डन इट, जिसके अंदर फॉर्मल इंफॉर्मेशन अमूमी तौर पर जो होती है वो फॉर्मल चैनल से आती है. फॉर्मल चैनल क्या होते हैं, फॉर्मल चैनल या ऑफिशियल चैनल का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्ज कर लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस आनी है, तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस आपको इंफॉर्मेशन मैनेजर फाइनेंस से आनी है. तो मैनेजर फाइनेंस से असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की तरफ का जो रास्ता है या राबता है, ये इंफॉर्मेशन जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फॉर्मल इंफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल इंफॉर्मेशन. इसको हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं जो चलती है टॉप लेवल से और जाती है आपके इनिशियल लेवल तक. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द फॉर्मल इंफॉर्मेशन. इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये यहीं से आएगी, अच्छा किसी और से नहीं आएगी. अगर कल को आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर कहेंगे मुझे तो ये बात HR मैनेजर ने बताई है, तो वो कहेंगे जनाब ये फॉर्मल चैनल नहीं, आपका फॉर्मल चैनल आपका मैनेजर फाइनेंस है, ये दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन आ ही नहीं सकती. इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, रिपोर्ट हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ज़ाहिर है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, बताया जा रहा है कौन जूनियर है कौन सीनियर है, मैनुअल हो सकती है कोई, आपकी जॉब की डेफिनेशन हो सकती है, जैसे आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं ऐसे जॉब को भी डिफ़ाइन किया जाता है, डिफ़ाइन करने में इसके लिस्ट ऑफ फंक्शन लिखे जाते हैं कि जॉब के
फंक्शंस क्या हैं, जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है जी। और ये हमेशा चेन ऑफ कमांड के तहत आती है। चेन ऑफ कमांड आप पहले जानते हैं कि जो आपका मैनेजर है आप साथ बात कर रहे हैं, ये आपकी चेन ऑफ कमांड है। और ये हमेशा पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होती है कि जो सीनियर है इसकी बात की वर्थ आपसे ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो इसका हिस्सा रिलेट होता है। तो ये क्या होती है, ये रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मैनुअल हो सकती है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है, और ये हमेशा चेन ऑफ कमांड के तहत आएगी। और इसके अंदर पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट होगी, जितनी इम्पॉर्टेंट बड़ी पोजीशन होगी उतनी ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी। चलिए इसको ज़रा याद दहानी के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि इट इज़ अ वेल एक्नॉलेज फैक्ट डेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन हैव एन असेंशियल फॉर्मल एंड इम्पर्सनल स्टाइल। जी शाबाश। इसका कभी बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल होता है विच डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, ट्रेट्स नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा सूखी, खुश्क और अथॉरिटेटिव होती है, ठीक है जी। उसकी वजह क्या शाबाश, कि ये हम शो करना चाहते हैं हमारे इम्पार्शलिटी और अथॉरिटी, हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस ज़ाहिर करना चाहते हैं, और हम रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। ज़ाहिर है उसमें जोक होगी तो फिर तो वो काम नहीं बनेगा, लिहाजा यहाँ पे ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन करेक्ट रहेगी। अब बात आ जाती है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन की। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जो होती है बच्चों, ये गॉसिप्स के ज़रिए फैलती है, रूमर्स के ज़रिए फैलती है। आपने बात अपने जूनियर को बताई, आपके जूनियर ने बात आगे अपने कलीग को बताई, ठीक है जी, वो बात आगे इधर से चल के आपके सीनियर तक पहुंच गई। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई सिर पैर नहीं है, आप हैरान होते हैं, मैंने तो ये बात सिर्फ अपने जूनियर को इनफॉर्मली एक पार्टी में बताई थी, तो ये बात मेरे सीनियर तक कैसे पहुँच गई। चूँकि ये रूमर्स होती हैं, गॉसिप्स होती हैं, लिहाजा ये किसी भी वजह से जो है वो फैल जाती है। तो एक तो बात ये हो गई। तो यहाँ पर हमेशा मालूमात किसी ना किसी रास्ते से लीकेज हो जाती है। क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है। वो कैसे? इसकी एक मिसाल है, केस स्टडी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उस केस स्टडी को पढ़ते हैं तो उससे हमें काफ़ी बातें समझ आ जाएंगी। इस केस स्टडी में बताया जाता है कि AGEM एक कंपनी है, उन्होंने डिसमिस कर दिया अपने इट्स फाइनेंस डायरेक्टर ऑन मंडे। उन्होंने मंडे को फाइनेंस डायरेक्टर को डिसमिस कर दिया, लेकिन इसका जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया वो फ्राइडे को किया, लेकिन ट्यूसडे और वेनसडे को जब कोई काम उसने कहा अपने सब ऑर्डिनेट से तो उन्होंने काम नहीं किया। स्टोरी सुनिए कि मंडे को फाइनेंस डायरेक्टर को डिसमिस कर दिया गया, बात की खबर फ्राइडे को आई है, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को वर्कर्स ने उसकी बात को क्यों नहीं माना, या उसके सब ऑर्डिनेट ने बात को क्यों नहीं सुना? उसकी क्या वजह थी शाबाश, हो सकती है बच्चों? डिसमिस कर दिया था मंडे को, खबर दी है फ्राइडे को, और उसके सब ऑर्डिनेट ट्यूसडे को ही काम छोड़ के बैठ गए, वेडनेसडे को ही काम छोड़ के बैठ गए, तो वजह क्या हो सकती है? क्यों जी हनान? इन्फॉर्मेशन लीकेज हो गई थी, पास आउट हो गई थी, पता लग गया था कि ये साहब जाने वाले। तो उन्होंने कहा कि अगर ये इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन बन के लीकेज हो गई, तो जब लीकेज हो गई तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी बात मान के कोई काम शुरू कर दिया तो ये तो अगले हफ्ते होगा नहीं, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, लिहाजा हम इसकी बात को मानते ही नहीं। अच्छा जी, एनीवे, अब ये हो गया बच्चों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब जहाँ तक सवाल है कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली स्लो होती है, चूँकि ये लिख कर देनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करती है, और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्विक होती है, जल्दी फैल जाती है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन पर हमारा कंट्रोल होता है और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता,
ये बड़ी तेजी से फैल जाती, पता ही नहीं लगता कहाँ से बात कहाँ पहुंच गई है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन आम तौर पे उस बंदे को लाजमी पहुंचती है जिसको एड्रेस की जाती है, और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अमूमी तौर पर जिसके लिए होती है वही इग्नोरेंट रहता है, क्योंकि ये रिटन शक्ल में तो होती नहीं है, लिहाजा किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। बाज़ का आप हैरान होते हैं कि यार ये बात तुम्हें नहीं पता, ये तो सबको पता है, तो वो कहते हैं जी मेरे तक तो नहीं पहुंची। तो ये क्या है, ये स्लो है और ये फास्ट है। ये अमूमी तौर पे कंट्रोल में रहती है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। ये हमेशा एड्रेस पर्सन तक लाजमन पहुंचती है, जो लेटर जिसको लिखा उसको जाएगा, क्योंकि लिख के नाम लिख के भेजा गया है। और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन लाजिम नहीं कंसर्न बंदे तक पहुंचती है कि नहीं होती। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत रिलायबल होती है, रेलेवेंट होती है, टाइमली होती है और ट्रस्टवर्दी होती है, और इनफॉर्मल हमेशा मिलावट शुदा होती है, मलिशियस होती है, अमूमी तौर पे इनएक्यूरेट और ख़राब होती है, और स्पेकुलेटिव होती है। स्पेकुलेटिव का मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट की जा चुकी होती है और ये एग्जेजुरेटेड होती है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एग्जेजुरेटेड होती है। तो ये बच्चों फ़र्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन का सॉरी। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अमूमी तौर पे नेटवर्क्स और डिफरेंट मैनेजर्स के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंच जाती है, फैल जाती है। कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है, इस तरह बात आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हम जहाँ भी काम करते हैं, हम चिट चैट करते हैं, गपशप करते हैं, तो इससे ये मालूमात लाजमन आगे से आगे फैल जाती है। तो ये बच्चों हो गया इसके मुतालिक जो बात थी। अब आपसे कुछ सवालात कर लेते हैं। पहला सवाल ये है कि एक्यूरेसी इज़ टू बी इंश्योर डैट इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक। जी शाबाश। परसेप्शुअल है, ऑन अजम्पशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है या बेस्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्शन? बेटा एक्यूरेसी कभी भी, इंफॉर्मेशन कभी भी जो है मिस्टेक, विदाउट एनी मिस्टेक है, तो हम क्या करते हैं, अजम्पशन बेस्ड नहीं रखते फिर उसको, नन ऑफ अबव, कभी भी अजम्पशन बेस्ड नहीं होगी। अगर हम कहते हैं इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है, अजम्पशन बेस्ड नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड नहीं होगी, परसेप्चुअल नहीं होगी, नन ऑफ अबव, ये कोई भी करेक्टर इसमें नहीं आएगा। ठीक हो गया बच्चों। कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट करती है? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी पिक्चर ड्रॉ करेगी, कभी भी इनकम्प्लीट पिक्चर नहीं दिखाएगी, ठीक है जी। केयरफुल सिलेक्शन एंड ब्लेंडिंग ऑफ सेवरल टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन इज बीइंग स्टडीड इज नेसेसरी एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर। जी शाबाश। डिपेंड करती किसके ऊपर? सिलेक्शन ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ सेवरल टेक्निक बेस्ड ऑन, तो दिस इज बेस्ड ऑन सी, यूज़र पे भी बेस करती है, नीड पे भी बेस करती है कि आपका यूज़र क्या है और उसकी नीड क्या है। क्लियर जी। तो आज के लेक्चर को हम इसको यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर के हवाले से आपका फीडबैक लेते हैं। आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को अगर हम 1 से लेके 100% तक रैंक करते हैं